गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 2 है, द मॉडर्न मिलेनियर, यानी कि मॉडल करोड़पति। ठीक है, आधुनिक करोड़पति। तो स्टार्ट करते हैं हम। अनलेस वन इज वेल्थी, देयर इज़ नो यूज़ इन बीइंग अ चार्मिंग फेलो। यानी कि जब तक कोई भी व्यक्ति धनी नहीं हो जाता, तब तक उसका कोई चार्मिंग यानी कि आकर्षक साथी उसका फ़ायदा नहीं उठाता। यानी कि जब तक कोई व्यक्ति धनी नहीं हो जाता है, तब तक उसका आकर्षक साथी उसका कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। इट इज़ बेटर टू हैव ए परमानेंट इनकम देन टू बी फैसिनेटिंग। आकर्षक होने की तुलना में किसी की स्थायी आय होना उससे बेहतर है। यानी कि कोई भी व्यक्ति आकर्षक होने की तुलना में, यानी कि आकर्षक कोई देखने में अच्छा लगे लेकिन उसकी कोई स्थायी यानी कि परमानेंट इनकम ना हो, तो उससे अच्छा है कि आकर्षक होने की तुलना में किसी की स्थायी आय होना सबसे बेहतर है। दीज आर द ग्रेट ट्रूथ ऑफ मॉडर्न लाइफ, यह सबसे महान सत्य है आधुनिक जीवन के, विच योगी एस्क्रीन नेवर रियलाइज, जैसे योगी एस्क्रीन ने कभी भी महसूस नहीं किया। पुअर होगी यानी कि बेचारी योगी, इंटेलेक्टली यानी कि बौद्धिक रूप से, वी मस्ट एडमिट, हमने उन्हें देखा है, ही वॉज नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंट, वह उतनी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी नहीं थी। ही नेवर सैड अ ब्रिलियंट और एवन एन इल नेचर्ड थिंग इन दिस लाइफ। यानी कि उन्होंने कभी भी ना ही कोई ब्रिलियंट यानी कि बौद्धिक रूप वाला काम किया है और ना ही बीमारी स्वभाव वाला कोई काम किया है अपने जीवन में। यानी कि अपने जीवन में ना ही उन्होंने कोई ब्रिलियंट काम किया है और ना ही बीमार स्वभाव वाला काम किया है। बट लेकिन देन ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग विद हिज क्रिप्स ब्राउन हेयर, हिज क्लियर कट प्रोफाइल एंड हिज ग्रे आईज। लेकिन उनके कुरकुरे भूरे बाल, उनकी जो क्लियर कट प्रोफाइल थी वो, और जो उनकी ग्रे स्लेटी कलर की आईज थी, जिसके कारण वे बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग दिखते थे। ही वॉज एज पॉपुलर विद मैन एज ही वॉज विद वुमैन। यानी कि वो सिर्फ मनुष्य, वो सिर्फ पुरुषों में ही नहीं, महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, पॉपुलर थे। एंड ही हैड एवरी टैलेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी, उनके पास प्रत्येक प्रतिभा थी सिवाय पैसे कमाने के, यानी कि पैसे बनाने के अलावा उनके पास सारे के सारे टैलेंट थे। व्हेन हिज फादर डाई, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, ही हैड लेफ्ट हिम नो मनी एट ऑल। यानी कि उनके जब पिता की मृत्यु हो गई थी तो उनके पिता उनके लिए एक भी पैसा छोड़कर नहीं गए थे। योगी लिव्ड ऑन 200 अ ईयर डेट एन ओल्ड ऑन गेव हिम। यानी कि योगी जो था वो एक साल में सिर्फ 200 रुपए पर ही रहता था, जो उसकी बूढ़ी आंटी देकर जाती थी। He had tried his hand at various job but did not like any of them. उन्होंने बहुत सारी जॉब में अपना हाथ आजमाया लेकिन उन्हें किसी ने भी नहीं पसंद किया। Ultimately he become nothing, यानी कि शैक्षिक रूप से उनके पास कुछ नहीं था। A delightful, unsuccessful young man with a perfect profile or no profession. यानी कि वे एक अनसक्सेसफुल यंग मैन थे, यानी कि
विफल यंग मैन थे जिनकी एक परफेक्ट प्रोफाइल थी, लेकिन उनके पास कोई भी व्यवसाय नहीं था। टू मेक मैटर वर्स, वे सारे मामलों को बेकार कर देते थे। ही वॉज इन लव, उन्हें किसी से प्यार हुआ। द गर्ल ही लव्ड वॉज लॉरा मार्टिन, यानी कि वो लड़की जिनसे उन्हें प्यार था उसका नाम लॉरा मार्टिन था। द डॉटर ऑफ ए रिटायर्ड कॉलोनल, जो एक सेवानिवृत्त कॉलोनल की बेटी थी। लॉरा एडोर्ड हिम, लॉरा ने उन्हें स्वीकार किया। एंड ही वॉज रेडी टू डू एनी थिंग फॉर हर, और जो ह्यूगी थे वे उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए थे। दे वर द हैंडसम कपल इन लंदन, यानी कि लंदन में उनसे उनकी जो जोड़ी थी वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थी। एंड हैड नॉट अ पैनी पीस बिटवीन दैम, लेकिन उनके बीच में पैसे नहीं थे। द कॉलोनल वॉज वेरी फाउंड ऑफ योगी, बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट, यानी कॉलोनल योगी को बहुत चाहते थे लेकिन कभी भी उनके इंगेजमेंट के बारे में, उनके सगाई के बारे में नहीं सुना था। कम टू मी माई बॉय, मेरे पास आओ मेरे लड़के। वैन यू हैव गॉट 10,000 पाउंड ऑफ योर ओन एंड वी विल सी अबाउट इट, जब तुम्हें तुम्हारे 10,000 पाउंड मिल गए हैं। एंड वी विल सी अबाउट इट, अब हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ही यूज टू से, उन्होंने कहना चाहा। एंड ह्योगी लुक्ड वेरी ग्लम ऑन दोज डे, यानी कि ह्योगी उन दिनों काफ़ी चमकते हुए दिखते थे। एंड हैड टू गो टू लॉरा फॉर कॉन्सोलेशन, और वह लॉरा अक्सर सांत्वना के लिए लॉरा के पास जाते थे।